कहानी की शुरुआत जनरल हैंस से शुरू होती है। आज जनरल ऑस्विन उसके घर आकर कहता है, हमारी फौज में कुछ गद्दार जनरल हैं, वो हमारे दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। हमारे चीफ इन गद्दारों को पकड़ना चाहते हैं और ये काम तुम्हें सौंपा गया है। सारी बात सुनकर जनरल हैंस वादा करता है कि वो जल्दी ही सभी गद्दारों को ढूंढ कर मार देगा। अगले ही दिन हैंस अपनी सहायक से बात करता है। हैंस उसे कुछ लड़कियों का इंतजाम करने को कहता है ताकि वो लड़कियों का लालच दिखाकर गद्दारों को पकड़ सके। कुछ ही दिनों में लड़कियों का इंतजाम भी हो गया और हैंस उनसे कहता है, तुम लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, तुम भी मेरी तरह देश की सेवा करना चाहती हो। हमारे देश के चीफ को शक है कि हमारे कुछ जनरल हमें धोखा दे रहे हैं। तुम्हारा काम उन गद्दारों को पकड़ना है और इस काम की पूरी ट्रेनिंग डॉक्टर विल तुम्हें देंगे। अब डॉक्टर विल लड़कियों के पास आकर कहता है, मैं तुम लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा और मेजर जिया भी तुम्हारी मदद करेगी। तुम उनकी हर बात मानोगी और उनसे सच जानने की कोशिश करोगी। इतना कहकर वो पहले सभी लड़कियों के तरबूज देखता है और फिर उनसे कहता है, तुम्हारे पास रसीले तरबूज हैं और तुम्हें इनका पूरा फायदा उठाना है। मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दूंगा ताकि हम गद्दारों को पकड़कर मार सकें। विल की बात खत्म होते ही जिया लड़कियों के पास आती है। वो आते ही लड़कियों के बदन का जायजा लेने लगी ताकि वो आगे की योजना बना सके। अगले ही दिन लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्द सहना सिखाया जाता है और लड़ना भी सिखाया जाता है। धीरे धीरे लड़कियों की ट्रेनिंग सख्त होने लगी लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग पूरी कर लेती है। विल ने जिस तरह ट्रेनिंग पूरी करवाई थी वो देखकर हैंस खुश हो गया था। ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद हैंस लड़कियों से कहता है, कल हमारे पास कुछ जनरल छुट्टी मनाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें इतना खुश कर दो कि वे तुम्हें खुद ही बता दें कि कौन सच्चा है और कौन गद्दार। हैंस की बातें सभी लड़कियां ध्यान से सुन रही थीं। दूसरी तरफ जनरल भी बेहद खुश थे। उन्हें चीफ ने बता दिया था कि वो छुट्टी हैंस के घर बिताएंगे और वहाँ बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगली ही शाम कई जनरल हैंस के घर पहुँच गए थे। हैंस के घर में जवान लड़कियां देखकर वो सभी बहुत खुश हो गए थे। जिस जनरल को जो भी लड़की पसंद आई उसने वही लड़की उठा ली। अब सभी जनरल्स का डंडा गुफा के मजे ले रहा था। हैंस के पास भी एक लड़की आती है और हैंस उसके साथ शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब सभी जनरल ठंडे हो गए तो वो अपनी ही चीफ का मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच हैंस अजीब से कपड़े पहनकर उनके सामने आता है। हैंस का नया रूप देखकर सभी जनरल उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उसे सिरफिरा कहने लगे और उनकी बातें सुनकर हैंस कहता है, मैं अपना मजाक उड़वाने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों को सजा देने के लिए आया हूँ। मैंने सब सुन लिया है कि तुम हमारे चीफ का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे चीफ हमारे लिए लड़ रहे हैं और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग गद्दार हो, चीफ पर हंस रहे हो। उसकी बातें सुनकर जनरल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे, मगर हैंस कोई बात नहीं सुनता और उसका वफादार साथी सभी जनरल्स को कैद कर लेता है। अगले दिन ऑस्विन हैंस के पास आकर उसे बताता है कि मुझे जनरल हैरी पर भी शक है, वो दारू पीकर किसी को भी मार सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी मार डालो और इसलिए मैं उसे तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। हैंस ऑस्विन से वादा करता है कि मैं गद्दार हैरी को भी मार दूंगा। रात होते ही जनरल हैरी अपने दो साथियों के साथ हैंस के घर पहुँच गया। हैरी की एक आंख लड़ाई में चली गई थी। वो हैंस के घर आकर पहले दारू पीता है और फिर लड़कियों को देखता है। हैंस के साथी भी लड़कियों को घूर रहे थे। उसके एक साथी को मेजर जिया पसंद आ गई जिसके बाद दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। हैरी के दूसरे साथी को दो लड़कियां पसंद आ गई और वो दोनों को लेकर चला जाता है। हैरी को एक दो लड़कियां नहीं बल्कि कई लड़कियां पसंद आ गई इसलिए वो उनके साथ लग जाता है। जल्दी ही घर में आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें चीखे नहीं बल्कि मीठे दर्द की थी। थोड़ी ही देर बाद हैरी आराम कर रहा था। उसने ज्यादा दारू पी ली थी जिस कारण उसे अब वहम होने लगा। उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई लड़की है। वो खिड़की से बाहर निकलकर लड़की के पीछे दौड़ने लगा। वो जब लड़की को पकड़ नहीं पाता तो वो उस पर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर उसके साथी भी बाहर आ गए। हैरी अपनी बहम में फंसकर अपने साथी को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो हैरी को ही मार देता है। उधर हैंस का वफादार भी आ चुका था। वो पहले हैरी के एक साथी को मारता है और फिर दूसरे को। हैंस ने जानबूझकर हैरी को ज्यादा दारू पिलाई थी ताकि वो आराम से उसे मार सके। उसी ने अपने वफादार को बाहर भेजा था ताकि वो हैरी की पूरी टीम को खत्म कर दे। अगले दिन सभी लड़कियां डरी हुई थी क्योंकि आज उनका मेडिकल चेकअप था। जो भी लड़की पेट सी थी उसे पहले मारा पीटा जाता और फिर जबरदस्ती उसकी सफाई कर दी जाती। उधर हैंस के पास ऑस्विन आकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी काम देने आया हूँ। ऑस्विन की बात सुनकर हैंस हैरान हो गया जिसके साथ ही ऑस्विन कहता है, चीफ के पास तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। ये सुनकर हैंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं मगर ऑस्विन उसे अनसुना कर देता है। चीफ का मानना है कि तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इतना कहकर ऑस्विन पहले एक चाकू निकालता है और फिर हैंस के पास आकर कहता है, चीफ चाहते हैं कि या तो तुम आज ही इस चाकू से खुद को मार डालो या फिर दर्दनाक सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ऑस्विन की बात सुनकर हैंस परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद हैंस अपने ऑफिस में था। वो चीफ से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपनी सफाई दे सके मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो चीफ से बात नहीं कर पाता जिस कारण वो काफी परेशान हो गया। उसे अपनी मौत सामने देखने लगी। इसी बीच उसके कमरे में जिया आती है। वो उसके पास आकर कहती है, मुझे ऑस्विन ने सब बता दिया है। उसकी बात सुनकर हैंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं, वो नहीं चाहते कि चीफ मुझे इनाम दे। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा और तुम्हारी मौत के बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जिया अपने कपड़े उतार देती है और दोनों आखिरी बार प्यार करने लगते हैं। कुछ देर बाद हैंस लड़कियों के कमरे में आता है। सभी लड़कियां ऑस्विन की टीम के साथ नाच रही थीं। ऑस्विन ने अपनी पूरी टीम को यहाँ बुला लिया था।
हैंस अपनी मौत के बारे में सोच समझकर ऑस्विन के सामने आकर कहता है, हमारा चीफ मारा गया यानी हम सबकी हार हो गई। मेरा चीफ चाहता था कि मैं खुद को मार डालूं और मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर वो चाकू निकालता है और फिर खुद को ही मार डालता है। उधर दुश्मन देश की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मार रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्विन और उसकी टीम अपनी ही मस्ती में थे, वो लड़कियों के साथ नाच रहे थे और उनकी गुफाओं के मजे भी ले रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़ाई से आया कैप्टन ऑस्विन से कहता है, दुश्मन की सेना लगातार जीत रही है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे। कैप्टन की बात सुनकर ऑस्विन परेशान हो गया। वो कैप्टन को समझाता है कि तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, हमारी सेना से कोई नहीं जीत सकता। इसके साथ ही वो कैप्टन को लड़कियों का लालच देता है। असल में ऑस्विन दुश्मन देश से मिला हुआ था और वही सबसे बड़ा गद्दार था। उसकी बातें सुनकर कैप्टन को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो ऑस्विन और उसकी पूरी टीम को मार देता है। कैप्टन ने सभी लड़कियों को भी मार दिया था क्योंकि वो गद्दारों की सेवा कर रही थी। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया कि जिस देश की सेना भोग विलास में डूब जाए वो देश कभी नहीं जीत सकता, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।